हमारी महारानी तो है ही इधर के पास। प्रजा के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है कि आज वो मेरे दुश्मन का साथ दे रहे। इतने लोग गलत नहीं हो सकते, गलती मेरी ही होगी। आज तक सुरम्या ने कभी अपनी हार नहीं मानी, लेकिन जब त्रिकुण लोक की प्रजा नहीं तुम्हें अपना मान ली तो रोकने वाले हम कौन होते? आज मैं तुम्हें त्रिकुण लोक की महारानी घोषित करती हूं। त्रिकुण लोक की नई रानी, आज से तुम हमारी क्या सजा है? तुम चाहो तो हमें मौत की सजा सुना सकती हो। हम यहाँ किसी की जान लेने नहीं आए, ना ही हमें किसी राज की लालच है। हम तो यहाँ सिर्फ मणिगंधा फल लेने आए। त्रिकुण लोक तुम्हारा हुआ तो मणिगंधा फल पर भी तुम्हारा अधिकार है, लेकिन चूंकि तुमने हमें हराया है इसलिए हम वही करेंगे जो तुम चाहोगे। अगर आप सच में कुछ करना चाहती हैं, तो इन पत्थर की मूर्तियों को अपने श्राप से आजाद कर दीजिए। हमारी तरह न जाने ये लोग भी किस मजबूरी में मणिगंधा फल लेने आए थे। आज त्रिकुण लोक में वही होगा जो तुम चाहो। हम अपनी शक्तियों में ये भूल गए थे कि हमारी शक्तियां प्रजा की रक्षा के लिए, हम अपनी प्रजा को अपना गुलाम समझने लगे थे, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि कोई भी राजा या रानी अपनी प्रजा के सहयोग के बिना कुछ नहीं है। आज से त्रिकुण लोक में वही होगा जो हमारी प्रजा चाहेगी।
तुमने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है जो हमें हमेशा याद रहेगा। जाओ, मणिगंधा फल तुम्हारा। हम हार गए भुजंग, हम हार गए और हमारी ममता जीत गई। अगर हमारे कनक की जान की कीमत ये ताम्र पत्र ही है तो हम ये कीमत देने को तैयार हैं। हम आ रहे हैं भुजंग, अपनी बेटी को लेने हम आ रहे हैं। इन्हें क्या हुआ है? त्रिनान लोक के पैरी सो रहे? ये नाग कौन है? ये नाग जो हमारी कनक को बचाने की कोशिश कर रहा है। ठहरो! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी कैदी को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इसे यहां से आजाद करा सकते हो? ये तो यहां से आजाद नहीं होगी बल्कि तुम आज से हमारी कैद में रहोगे। लोग से बाहर नहीं जाना चाहिए। जाओ! कौन था वो जो कनक को ले गया? कौन था वो नाग जिसके पास भुजन से ज्यादा शक्तियां हैं?
आखिर हम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। कनक को आजाद करा दिया। अब हम जानते हैं कि हम अपनी शक्तियों के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। शायद हमारे नसीब में औलाद का सुख ही नहीं है। एक बेटी मिली जिसे हमने अपनी ममता से सींच कर बड़ा किया, और आज आज किस्मत ने उसे हमसे छीन लिया। काकी सा, कनक आ गई। कहाँ चली गई थी आप? कहाँ थी आप? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपको किसने किडनैप किया था या फिर आप अपनी मर्जी से गई थी? मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं पता मुझे। मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने कमरे में सो रही थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी और मुझे कुछ याद नहीं है। कनक बेटा, आपसे गले मिलकर हमेशा खुशी तो हुई है, लेकिन आज सुकून महसूस कर रहे हैं बेटा। मासा, बड़ी हैरानी की बात है, कनक के साथ जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। जरूरी ये नहीं विष्णु कि हम जाने कि कनक के साथ क्या हुआ। खुशी इस बात की है कि हमारी बच्ची हमें वापस मिल गई। हमारी बच्ची दीदी, आपको इतना वक्त क्यों लग गया? परी, हमारे काम को खत्म होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया इसलिए। परी बेटा, दीदी बहुत थक गई होगी ना, आप चाय नहीं पिलाओगी? जी बुआ सा, हम दीदी के लिए अब भी गर्मा गर्म चाय बना कर लाते। अमृता बेटा, काम हो गया? जी बुआ सा। सुरमया है, महारानी सुरमया। हम तो यहां सिर्फ मणिगंधा फल लेने आए। मणिगंधा फल तुम्हारा? वो आसा, हम कामयाब हो गए। अब हमारे पास मणिगंधा फल है। इस फल को खाते ही बुआसा हमारी शक्तियां इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी हमारी मर्जी के खिलाफ ये नहीं जान पाएगा कि हम एक इच्छाधारी नागिन है। तब बेटा, आप इंतजार क्यों कर रही हैं? इसे खा लीजिए ना। नहीं बुआसा, हम इसे नहीं खा सकते। बुआसा, इसे खाने से पहले रात में नाग रूप में हमें इस फल की पूजा करनी होगी। बस बुआसा, मुसीबतों के बादल छटने का वक्त आ गया है। 10 साल की तपस्या पूरी हो गई है।
हमारे दुश्मनों का बुरा वक्त अब शुरू हो गया है। To our friendship, health and prosperity. हाँ। अरे रुद्र, तांत्रिक ने हमें ये लॉकेट 10 साल के लिए दिया था, अब तक तो उसका असर खत्म हो चुका होगा। हाँ यार, कब तक इसको गले में लटका के घूमते रहेंगे? क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है इच्छाधारी नागिन 7 जन्मों तक अपना बदला नहीं भूलती। अरे यार, पर कब तक ये गले में मंगलसूत्र डाल के घूमते रहेंगे? हाँ यार, फेंको इसे। और वैसे भी अब तक तो इसका असर खत्म हो चुका होगा। आप क्या कहते हैं रुद्र? अब अगर आप फेंकना चाहे तो फेंक दीजिए। रुद्र, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो अच्छी तरह से जानते ही हैं ना कि एक इच्छाधारी नागिन कितनी खतरनाक होती है। कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ नहीं। और अगर कुछ हुआ तो मैं आशीर्वाद से इन 10 सालों में हमें हमारी सारी शक्तियां प्राप्त हो गई। अब वक्त आ गया है हमारे दुश्मनों की सर्वनाश का। अब हम उन्हें उनकी पापों की सजा देंगे। इन 10 सालों में हमारे अंदर की प्रतिशोध की भावना ज्वालामुखी बनकर फूटेगी और हम अपने दुश्मनों का वजूद तक मिटा देंगे। जहां भी हो तुम सब लोग, जी लो अपनी चंद सांसें, क्योंकि तुम्हारी मौत निश्चित है। हमने कहा था कि वो एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन आप लोगों ने उसे कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती की है। वो बदला लेगी, वो बदला जरूर लेगी।